हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, वो भी 10 मिनट में, और लाइव प्रूफ आप लोगों को करके दिखाऊंगा। तो बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, थोड़ा भी स्किप करिएगा कि तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा तभी आप लोग को टोटल वीडियो समझ में आएगा, कैसे 1000 सब्सक्राइबर वो भी 10 मिनट में पूरा करेंगे, ये लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो बने रहिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। देखिए मैं लेकर के आ गया हूँ अपने मोबाइल का स्क्रीन पे, मैं 1000 सब्सक्राइबर करके आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखा दूंगा। लेकिन आप लोग अगर डेली कंटेंट अच्छा एक कंटेंट पर काम कर रहे हैं और डेली एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं, वो भी अच्छा कंटेंट पर, अच्छा रिकॉर्ड करके अच्छे से उसको अपलोड कर रहे हैं, हर सेटिंग अच्छे से हो गया है आपका, और इस पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आपका व्यू नहीं आ रहा है, 2, 3, 4, 200, 100 ऐसे व्यू आ करके आपका उतने पे रुक जा रहा है, आगे व्यू नहीं जा रहा है। तो इसके बारे में हम बताएंगे कि सब्सक्राइबर 1000 सब्सक्राइबर कैसे पूरा कर लेंगे। साथ में आपको कंटेंट पे और अपने वीडियो पे अच्छे से ध्यान देना होगा और वीडियो एक एक अपलोड करना होगा ताकि आपका चैनल भी ग्रो करे और 1000 सब्सक्राइबर पूरा भी हो जाए। दरअसल बात ऐसी है दोस्तों कि जो सब्सक्राइबर हैं आपके, मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, ये जो आपका मैं इस मोबाइल पे दिखाया हूँ कि मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने वाला है और मैं पूरा करके दिखाऊंगा दोस्तों। दरअसल जो बात ऐसी है कि इसमें जो है ना सब्सक्राइबर 1000 पूरा 10 मिनट में, वो भी एक वीडियो अपलोड नहीं किए हैं, सब्सक्राइबर पूरे नहीं होते हैं। लेकिन एक ट्रिक है जो आप लोग को बता रहा हूँ। ये जो है ना आपका YouTube हैंडल है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे YouTube हैंडल आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे YouTube हैंडल में आपको क्या करना है कि YouTube हैंडल को एडिट करना है, YouTube हैंडल को एडिट करके और वहाँ पे अपना जैसे YouTube हैंडल है ना, उसमें हम 1K या 1 मिलियन या 400 या 300K लगा देंगे उसमें, या 45-46K लगा देंगे, तो उसमें जो सब्सक्राइबर दिखता है ना उसमें अटैच में आ जाएगा, ऐसा दिखेगा कि आपको वहाँ पे सब्सक्राइबर पूरा हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे जैसा है ना, यहाँ पे मैं अपना YouTube खोल रहा हूँ, देखिए YouTube हैंडल दिख रहा है यहाँ पे, इसमें आपको लगेगा क्योंकि सब्सक्राइबर और YouTube हैंडल एक साथ में दिखाता है, एक लाइन में दिखाता है, तो YouTube जो हैंडल है और सब्सक्राइबर है, इसके साथ में लास्ट में जितना के लगाइएगा, जितना सब्सक्राइबर लगाइएगा ना, वहाँ पे पास में दिखेगा। इससे होगा क्या, अपने आप पे सोचिए या हम पे खुद पे सोचिए, आप वीडियो सर्च कब करते हैं, देखते हैं कि ये यूट्यूबर बड़ा है कि या छोटा है, या वीडियो इसका चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अक्सर जो वीडियो सर्च करते हैं ना, देखते हैं बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं उन्हीं का वीडियो हम देखें, उन्हीं का वीडियो हम समझ में आएगा। ऐसे जो लोग सब पसंद करते हैं बड़े यूट्यूबर के, जिसका व्यू ज़्यादा आया है, उस वीडियो को लोग वाच करते हैं, इसीलिए आप लोग, आपके ऊपर भले ही वीडियो कम है, अच्छा कंटेंट डाल रहे हैं, वीडियो व्यू नहीं ला रही है, तो अच्छे से अगर व्यू लाना चाहते हैं तो उसमें जब 1K, 2K, 4K अपने मन से जितने सब्सक्राइबर के नाम उसमें डाल देंगे ना, तो ऐसे लगेगा देख जो है ना उसमें पास में YouTube हैंडल और सब्सक्राइबर पास में होने के कारण से बहुत आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि ये सब्सक्राइबर है कि नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये सब्सक्राइबर ही है जो कि यहाँ पे दिख रहा है YouTube हैंडल के बगल में। तो इस तरह जो अगर कोई देखेगा तो आपको समझेगा कि ये बड़ा यूट्यूबर है, तो आप लोग को वीडियो को वो सर्च उसको देखने की कोशिश करेंगे कि ये वीडियो कैसा लगा, कैसा है, अच्छा वीडियो भी रहना चाहिए, तो अच्छा कंटेंट अच्छा वीडियो है ना, तो उस टाइम में आपका वीडियो को वो आवाज़ करेगा कि भले ही इसका सब्सक्राइबर नहीं है तो उसको हम वॉच कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इसका कैसा किस टॉपिक पे वीडियो बनाता है, कैसा वीडियो बनाता है, अगर अच्छे से उसको समझा रहा है तो आपके वीडियो को देखने की वो कोशिश करेगा, तो ऐसे ही आपको सब्सक्राइब भी कर लेगा
और आपका धीरे धीरे इंक्रीज भी हो जाएगा, काम करेगा। क्योंकि मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, एक शॉर्ट वीडियो बनाने वाला मेरा दोस्त जो आज इस टाइम में 23,000 सब्सक्राइबर उसका पूरा हो गया है, हमसे 6 महीने बाद अपना चैनल स्टार्ट किया था और इस टाइम में उसका सब्सक्राइबर 23,000 हो गए हैं। मालूम है कैसे? उसके लास्ट में जो है ना, उसके लास्ट में 1 मिलियन लिख दिया है। 1 मिलियन जो उसका नेम है, जो चैनल का नाम रखा है, उसके लास्ट में 1 मिलियन रख दिया है। और 1 मिलियन के कारण है ना, उसको 6 महीने में 23,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए जय हिंद।